भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर कॉलोनी स्थित कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा के आवास पर बुधवार को विजिलेंस की टीम ने सघन छापेमारी की। छापेमारी के दौरान विजिलेंस की टीम ने भारी मात्रा में घर में छिपाकर रखे गए नगद रुपयों के साथ सोने के आभूषण और कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं। दरअसल भ्रष्टाचार में लिप्त अभियंता श्रीकांत शर्मा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम भागलपुर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। जांच के दौरान उनके घर से विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी कर दो ट्रॉली में छिपाकर रखे गए 80 लाख रुपए नकद, लाखों रुपए के जेवरात और जमीन के कई दस्तावेज बरामद किए हैं। जब छापेमारी शुरू हुई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। फिर छापेमारी के दौरान उनके घर से ब्रीफकेस में नोटों से भरा बंडल बरामद किया गया, जिसके बाद निगरानी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने अवैध संपत्ति सहित कागजातों को खंगालने में जुटी हुई है। दरअसल बिहार में भ्रष्टाचार पर विशेष निगरानी टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता के बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि पुल निगम के अभियंता के पास आय से अधिक संपत्ति है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं पटना से आए विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि इस पर विशेष जांच टीम बिठाई गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही इनके द्वारा बताए गए संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी की जाएगी, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल भ्रष्ट इंजीनियर श्रीकांत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्लांट संख्या 28/23, ये दिनांक 24/7/2023 को रजिस्टर किया गया था। ये श्री श्रीकांत शर्मा हैं, ये प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में, और अभी वर्तमान में ये RCD के भी EE के पोस्ट पे इंचार्ज में। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति गए कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए कोर्ट से कल सर्च वारंट लिया गया था और हम लोग निगरानी पटना से आए हैं और हम लोगों के टीम के सहयोगी बाकी लोग देख रहे हैं। और अभी जो सर्च में प्रथम दृष्टया जो कई कागजात दस्तावेज जमीन से संबंधित, बैंक से संबंधित और ज्वेलरी और नगद लगभग 2 सूटकेस भरा हुआ, जिसकी अभी गणना की जा रही है। अभी तो प्रथम दृष्टया लगभग 70-80 लाख रुपए के आसपास, ये पूरा गिनती होने के बाद ही एग्जैक्ट अमाउंट बता पाएंगे कि कितना। ज्वेलरी भी होगी लगभग, अब तो वैल्यूअर हम लोग मंगा रहे हैं, उसके बाद बता पाएंगे कि ये तो अंदाज अभी से होगा। बाकी तो जब अभी हम लोग एक फाइनल जब होगा तो एक प्रेस ब्रीफिंग निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा रिलीज किया जाएगा। हाँ, और इनके ऑफिस में भी जो है एक टीम गई है, वहाँ भी तलाशी ली गई है। भागलपुर में मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर बुधवार को भागलपुर SSP आनंद कुमार के नेतृत्व में पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरी। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुल कर त्यौहार मनाने की अपील की। SSP ने कहा कि त्यौहार में खलल डालने और उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस बलों की तैनाती के साथ विभिन्न जगहों से निकाले जाने वाले जुलूसों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। देखिए, 4 दिन बाद मुहर्रम का पर्व मनाया जाने और 2 दिन बाद से उसके जुलूस विभिन्न शक्लों में निकलते हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में विभिन्न थानों और SDPO की टीम उनके द्वारा पूरे भागलपुर शहर में और अलग अलग अनुमंडल में भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ऐसे सभी स्थलों का रूट्स का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है जहाँ पर मुहर्रम का जुलूस निकलेगा और ऐसे लोगों की पहचान भी की जा रही है और उनके खिलाफ CRPC के तहत कार्रवाई भी की जा रही है, जो कि मुहर्रम के पर्व में कुछ डाल चुके हैं। भागलपुर में अपराधी बेखौफ होकर खुलेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला साकुंड थाना क्षेत्र का है, जहां SBI की शाखा से रुपया निकालकर बाइक से घर लौट रहे CSP संचालक से लुटेरों ने 93,000 रुपये लूट लिए। वहीं जब संचालक ने लूट का विरोध किया तो अपराधियों ने CSP संचालक के पेट में गोली मार दी। इस घटना में संचालक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए साकुंड CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल CSP संचालक की पहचान सुल्तानपुर गांव निवासी भुवनेश्वर सिंह के 32 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ पवन के रूप में हुई है।
वो अपने गांव में ही सीएसपी केंद्र का संचालन करता है। घटना मंगलवार शाम करीब 5 बजे की है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि शिवशंकरपुर दीनदयालपुर पथ पर पहाड़ी के समीप पहले से घात लगाए बाइक सवार दो लुटेरों ने उसे ओवरटेक कर रोक लिया, जिसके बाद लुटेरों ने रुपये से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने गोली मारकर बैग लूट लिया और पहाड़ी वाले रास्ते से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद साकुंड एवं अकबरनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी। इधर साकुंड थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि घटना के सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है और जल्द ही बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। भागलपुर नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोहरपुर में एक महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि बुधवार की सुबह मवेशियों के चारे के लिए घास काटने गांव के बहियार गई थी। इसी दौरान प्यास लगने पर पास में लगे बोरिंग पर गई, जहां पहले से मौजूद मनहरपुर गांव निवासी बजरंगी यादव ने पकड़कर जबरदस्ती अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। पीड़ित महिला ने बताया कि विरोध करने पर उसने मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ डाले और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इस बीच महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद शोर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसको देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला ने बताया कि गलत इरादे में नाकाम होने पर बजरंगी यादव ने पति को जिंदा जला देने की धमकी दी है। फिलहाल पीड़िता महिला ने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार बजरंगी यादव ग्रामीण इलाके में सूद पर पैसा लगाने का कारोबार करता है। जबकि हम घास काटने गए थे बाजार, तो हम पानी प्यास लगा तो हम बोरिंग पे गए, बोरिंग पे पानी पी के लोटा अंदर रखने गए तो जबरदस्ती मेरे साथ पकड़ा पकड़ी करने लगा। तो उसको बजरंगी यादव मन कि हम आपको पैसा देंगे, इस तरह देंगे, खपड़ा चढ़ा देंगे, ये चढ़ा देंगे, खोपड़ी बना देंगे, इसी तरह बोल रहा था वो। 5,000 पैसा देंगे तब हमको ये सब करने दीजिए। बोले नहीं, आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, इस तरह मत कीजिए, हम गोड लगते हैं बाबू आपको, इस तरह के मत कीजिए। हम बोल रहे थे मेहमान हो, किधर गए किधर गए, कोई बचाइए कोई बचाइए। कहाँ की घटना है ये? घटना है मनहरपुर मोड़ की बाईपास। कल 10 बजे हम घास काटने गए थे बाजार। मेरा पत्नी के साथ तो जो घटना हुआ तो ये गया है, हम यही जानते हैं, हम मजदूर आदमी हैं, हमको शक्ति नहीं, हमको सरकार घर से ही इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था? क्या हुआ कि गया था घास गरने के लिए, ठीक है, घास गर के आया ही पानी पीने के लिए, बोरिंग पे पानी पीने आया तो कुर्सी पे पहले से बैठा हुआ बजरंगी ज़्यादा। और इसको जो है कि बल झुमकी, मतलब कपड़ा उपड़ा खींचने लगा कि मतलब कपड़ा उपड़ा दे देंगे पैसा, वो अलग मतलब झूठ का इल्जाम जो होता है लगाने लगा कि 5,000 ये औरत ने हमसे पैसा मांग रहा था, पैसा नहीं दिए इसीलिए ये इतना इल्जाम लगा रहा है। ये जो जहाँ झूठ बोलता है तो नाखून का दाग कपड़ा कैसे फटता है, हमको ये जवाब चाहिए। हम आपसे पंगा लेंगे तभी ना कपड़ा फटेगा। थाना गए थे? थाना गए, थाना में बोला कोई अभी साहब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बुधवार को पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी, शिक्षकों के मुद्दे और 13 जुलाई को पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान के दौरान सभा को संबोधित करते हुए भागलपुर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। उन्होंने सरकार पर केवल अपने लोगों के हितों की रक्षा करने का आरोप लगाया है। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा सह कार्यक्रम संयोजक चंदन ठाकुर, बंटी यादव के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भ्रष्टाचार पूरे चरम सीमा पर बिहार में, पुल का गिरना, 1760 करोड़ का पुल का गिरना, वह भी भ्रष्टाचार है। बिहार भारत के अंदर पहली ऐसी घटना है, धूप से कभी जो हवा के झोंके से पुल गंगा में समाहित हो जाता है। और आज की जो घटना आप बता रहे हैं, पुल निगम के कार्यपालक अभियंता
जो भ्रष्टाचार नोट के साथ पकड़े गए हैं, तो साफ है पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ये पूरे बिहार भर में यह कार्यक्रम हो रहा है, कल प्रदेश में इसका शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया और आज भागलपुर जिला में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार जी के नेतृत्व में इनके सिग्नेचर से आज युवा मोर्चा यह कार्यक्रम का आगाज की। और भ्रष्टाचारी नीतीश कुमार सरकार का प्रतिकार, हम लोग सिर्फ बोल के नहीं, ये लाठी डंडे की सरकार का प्रतिकार हस्ताक्षर करके युवा जन जन तक करेगा, एक एक मंडल एक एक मुख्यालयों पर जाकर युवा मोर्चा इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सरकार का प्रतिकार करने का कार्य करेगा। भागलपुर में स्थानीय दुकानदारों से अवैध वसूली करने के लिए दहशत फैलाने के उद्देश्य से बमबाजी की घटना सामने आई है। मंगलवार को बबरगंज इलाके में कमलनगर कॉलोनी एवं गर्ल्स हाई स्कूल के पास बम धमाके से लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। बम फेंकने वाला आरोपी नाबालिग है, जिसकी पहचान में पुलिस जुटी है। घटना मंगलवार देर शाम 10 बजे की है। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए राजीव राठौर के मकान में किराए पर चल रहे कपड़े दुकान के सामने चबूतरे पर बम फेंक दिया था। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार काफी भयभीत हो गए और अपनी दुकान का शटर बंद कर दिया। वहीं स्थानीय लोग भी अपने अपने घरों में कैद हो गए। घटना को लेकर स्थानीय निवासी संतोष ने बताया कि एक नशेड़ी किस्म के नाबालिग युवक ने बम फेंका था। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग बम फेंकने के बाद आराम से पैदल भाग निकला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बबरगंज पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी दुकानदार से ली। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि इससे पूर्व भी कमलनगर इलाके में कपड़ा दुकानदार से रंगदारी मांगने की घटना हो चुकी है। भागलपुर के तिलकामांझी चौक से वेडिंग जोन हटाए जाने का भागलपुर स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन के अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन ने खुद इस क्षेत्र को वेडिंग जोन बनाया था और सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड भी जारी किया था, लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन ने उन सभी दुकानदारों को वहाँ से हटा दिया है, जिसके कारण दुकानदार काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन उन्हें अपना सामान बेचने के लिए जगह उपलब्ध नहीं कराता, तब तक वे लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। दुकानदारों ने शहर में चक्का जाम और जोरदार आंदोलन करने की बात कही है। बुधवार को हुई बैठक में एसोसिएशन ने जिलाधिकारी व नगर आयुक्त के अलावा विभाग से जुड़े वरीय अधिकारियों को भी आवेदन देने की बात कही है। आज की बैठक ताजा मामला तिलका मांझी चौक का है, जो कि 3/1/2019 में नगर आयुक्त और टीवीसी की फुल बैठक में जो है उसको वेंडिंग जोन जो है 58 जगह बना था, जिसमें एक तिलका मांझी मंदिर के पीछे भी थाना तक वेंडिंग जोन घोषित है। उसमें हमारे वेंडर्स को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और आई कार्ड भी प्रोवाइड किया गया है। हम सभी वेंडर्स जो है फल विक्रेता है, वहाँ हम लोग अपना वेंडिंग नियमतः और नियमानुसार किए हुए थे, लेकिन 4 दिन पहले जो है ट्रैफिक DSP के द्वारा बाइजाबरन बाइफोर्स के द्वारा जो है सारे स्ट्रीट वेंडरों का सामान जो है जब्त करने का धमकी देते हुए उनको ज़बरदस्ती हटा दिया गया, जिससे हमारे सामने जो है रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। आज यहाँ पे भागलपुर टाउन लेवल फेडरेशन का मीटिंग हो रहा है और मेरा नाम दीपक है और मैं नासवी से हूँ, और आज जो बैठक हो रहा है बेसिकली इसके लिए हो रहा है कि जो भागलपुर शहर में पिछले TVC के मीटिंग में 2 साल पूर्व जो मीटिंग हुई थी, उसमें यहाँ पे 58 वेंडिंग जोन का जो है अप्रूवल हुआ था और वो वेंडिंग जोन का सब जगह बोर्ड लगा था, और ये नए नगर आयुक्त जो आए हैं, नए अब इनको क्या कहा जाए, 2 साल उनको आए हुए हो गया है, और ये 2 साल के दरमियान में इन्होंने एक भी टाउन वेंडिंग कमेटी का एक बार भी मीटिंग नहीं बुलाया है, जबकि टाउन वेंडिंग कमेटी ही वेंडर के मामले में सारे डिसीजन लेने का अधिकार है। ये कानून जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, बावजूद इसके आज भी दहेज की मांग को लेकर महिलाओं को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। बुधवार को भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र की एक महिला को उसके पति ने दहेज के लिए घर से निकाल दिया है। पीड़ित महिला की शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति और ससुराल वाले उनसे
3 लाख रुपए और मोटरसाइकिल लाने की मांग कर रहे हैं। महिला ने बताया कि उनकी मांग पूरी नहीं होने पर घर से निकाल दिया। थक हार कर महिला सबौर थाने पहुंची और पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल महिला अपने माता पिता के साथ रह रही है। मेरा पति हमको नहीं रखता है, दूसरे औरत के साथ रहता है। हमको ससुराल से भगा दिया, सास ससुर सब मारपीट करता है और मेरे हस्बैंड को सब साथ देता है। बोलता है बाप से पैसा मांग के लाओ तब रखेंगे, 3 लाख रुपए दहेज मांगता है। मेरा सब जेवर जेवरात सब छीन के रख लिया है। जब हम एप्लीकेशन दर्ज करने जाते तो मैं एप्लीकेशन भी नहीं लेता। जब महिला थाना जाते तो महिला थाना से भी डांट के मैम भगा देती है। तब फिर लास्ट में एप्लीकेशन ली, तो एप्लीकेशन लेने के बाद केस करने कर की तो उसके बाद उसको है ना बेल दे दिया। बेल देने के बाद जब मेरे हस्बैंड हमेशा गाली गलौज करता है, बोलता है कि तुम कुछ करेगी तुमको जान से मार देंगे, आग लगा देंगे, घर आएगी तुमको सामने लेके जाएंगे, सुबह मार के गायब कर देंगे। श्रावणी मेला के 22वें दिन सुल्तानगंज के चौक बाजार में राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम के नेतृत्व में अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अफरोज आलम ने संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा लगाते हुए कहा कि शहर के विभिन्न वार्डों में अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्षी एकता को इंडिया मुजाहिदीन कहा था। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बेहद शर्म की बात है और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बयान देकर देश के 140 करोड़ नागरिकों का अपमान किया है। मौके पर विभूति यादव, विपिन मंडल, विनोद रजक, अखिलेश ठाकुर, दिलीप दीवाना, मोहम्मद इजराइल, पंकज शर्मा सहित कई राजद कार्यकर्ता मौजूद थे।